हाय, हम आपको अक्सर उन कंपनीज के बारे में बताते हैं जिन्होंने रीसेंट टाइम्स में कोई स्टॉक स्प्लिट या बोनस अनाउंस किया हो। इसलिए आज हम आपको दो ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनकी बोनस या स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट्स नजदीक आ रही हैं। पर आगे बढ़ने से पहले चलिए बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट के कॉन्सेप्ट को जल्दी से समझ लेते हैं। बोनस इशू में कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री एडिशनल शेयर्स मिलते हैं। ये एडिशनल शेयर्स आपके पास बोनस रिकॉर्ड डेट पे जितने शेयर्स हैं उनके बेसिस पे आपको अलॉट होते हैं। बोनस इशू में कंपनी मार्केट में नए शेयर्स इशू करती है। फॉर एग्जाम्पल, 2-for-1 बोनस इशू में शेयर होल्डर्स को अपने हर एक शेयर के लिए 2 एडिशनल शेयर्स मिलते हैं। सपोज इन्वेस्टर ए के पास 100 शेयर्स हैं कंपनी एक्स के, तो 2-for-1 बोनस के बाद इन्वेस्टर ए के पास कंपनी एक्स के 100+200 बोनस शेयर्स यानी कि टोटल ऑफ 300 शेयर्स हो जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में अगर कंपनी एक्स के पहले टोटल 1 करोड़ शेयर्स थे तो बोनस के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 3 करोड़ हो जाएंगे। बट इसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे भी पड़ता है, यानी कि अगर कोई कंपनी 2-for-1 बोनस इशू करती है तो उसका शेयर प्राइस भी 1/3 हो जाना चाहिए। लेकिन ये एग्जैक्टली 1/3 नहीं होता, क्योंकि शेयर प्राइस मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट कर सकता है। और इसलिए बोनस इशू के बाद प्राइस एग्जैक्टली 1/3 हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। बोनस शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए और रिटेल पार्टिसिपेशन को एनकरेज करने के लिए इशू किए जाते हैं। अब हम समझते हैं स्टॉक स्प्लिट्स के बारे में। स्टॉक स्प्लिट में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एग्जिस्टिंग शेयर्स को मल्टीपल शेयर्स में डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देते हैं। स्टॉक स्प्लिट से कंपनी की टोटल मार्केट कैप में कुछ भी फर्क नहीं आता। ये बोनस से डिफरेंट है क्योंकि कंपनी नए शेयर्स इशू नहीं करती, बल्कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को मल्टीपल शेयर्स में डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट या फिर 2:1 स्टॉक स्प्लिट में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो जाते हैं। इसका मतलब कि अगर स्टॉक स्प्लिट के पहले कंपनी के मार्केट में 1 करोड़ शेयर्स थे तो स्टॉक स्प्लिट के बाद मार्केट में कंपनी के 2 करोड़ शेयर्स होंगे। इस केस में कंपनी का शेयर प्राइस हाफ हो जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने बोनस इशू में बताया था कि ये एग्जैक्टली हाफ नहीं होता। जनरली स्टॉक स्प्लिट शेयर प्राइस को कम करके और अफोर्डेबल बनाने के लिए किया जाता है, ताकि ज्यादा लोग कंपनी के शेयर्स को खरीद पाएं और शेयर्स में लिक्विडिटी इश्यूज ना आए। अब हम बात करते हैं उन दो कंपनीज की जिनकी स्प्लिट या बोनस डेट्स नजदीक आ रही हैं। हमने सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसिडर किया है जिनका मार्केट कैप 1500 करोड़ से ज्यादा है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्केट कैप में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंपनी है केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड। ये कंपनी रेडीमेड गारमेंट्स और फिनिश्ड एक्सेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। 28 अक्टूबर को इस कंपनी ने 4-for-1 का बोनस इशू अनाउंस किया, यानी कि आपको अपने खरीदे हुए हर एक शेयर के लिए 4 फ्री शेयर्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर्स हैं तो बोनस के बाद आपको 40 फ्री शेयर्स मिलेंगे और आपके पास टोटल 50 शेयर्स हो जाएंगे। इस बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट 17th दिसंबर है और एक्स बोनस डेट 16th दिसंबर है, यानी कि अगर आप कंपनी के शेयर्स 15 दिसंबर या उससे पहले खरीद लेंगे तो आप इस बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। कंपनी का पीई रेशियो 28.71 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.16 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 4.54% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.59% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 7.38% के रेट से डाउन गई हैं। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 58.62% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी का शेयर 6.82% के रेट से डाउन गया है। दूसरी कंपनी है TTK प्रेस्टीज लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी किचन वेयर कंपनी है जो बहुत सारे किचन इक्विपमेंट बनाती है। 27 अक्टूबर को इस कंपनी ने 10-for-1 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया, यानी कि आपका खरीदा हुआ हर एक शेयर 10 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर्स हैं तो स्टॉक स्प्लिट के बाद आपके पास कंपनी के 100 शेयर्स होंगे। इस स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 15th दिसंबर है और एक्स स्प्लिट डेट 14th दिसंबर है, यानी कि अगर आप कंपनी के शेयर्स 13th दिसंबर या उससे पहले खरीद लेंगे तो आप इस स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। कंपनी का पीई रेशियो 47.55 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 है।
प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 16.21% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.42% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 8.01% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 72.86% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 18.05% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तो ये थे वो दो स्टॉक्स जिन्होंने रिसेंटली बोनस इशू या स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर किया था और जिनकी रिकॉर्ड डेट्स नज़दीक आ रही हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपने इन दोनों में से किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है या करने वाले हैं या नहीं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल्स के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मार्केट के बारे में ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.